और बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर से, बीकानेर से खबर है जहां BTU की वेबसाइट हैक की गई। कुलपति की जगह एलियन का फोटो लगाया है। इसे छात्रों के आंदोलन के विरोध के तौर पर भी देखा जा रहा है, हालांकि हैकर कोई और भी हो सकता है। बड़ी खबर बीकानेर से जहां BTU की वेबसाइट हैक की गई है। कुलपति की जगह यहाँ एलियन का फोटो लगाया गया, हालांकि इसे छात्रों के आंदोलन के विरोध के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हैकर कोई और भी हो सकता है। बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है जहां हैक की गई है साइट को, कुछ जानकारी मिल पाई हैक आखिर किसने किया? देखिए, जिस तरह से लग रहा है कि जो हैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीकानेर में BTU के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल भी रामनिवास कुकड़ा की अगुवाई में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद जो मैसेज लिखा गया है इस हैकिंग के साथ एलियन का फोटो लगाते हुए, वो भी इस आंदोलन के पक्ष में लिखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है जो आंदोलन से जुड़ा कोई ना कोई व्यक्ति है, उसी ने हैक किया है। उसने लिखा है कि हम यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए, स्टूडेंट की आवाज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तक पहुंचा सके, इसलिए हैक किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने कहा था, अंदेशा यही है, हो सकता है इनमें से हो। और इस पूरे मामले में जो है VC का कहना है कि हमने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, हो सकता है स्टूडेंट ने ही ऐसा कुछ किया हो। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी के।